Hello friends, welcome to Things and Facts channel. Today we will see the facts which directly or indirectly affect you. Fact number one, the earth function on the basis of recycling. Earth recycling ke siddhant par kaam karti hai. Jab ek cheez ek form se dusre form mein, dusre form se teesre form mein, teesre se chauthe form mein बदलती है और अंत में अपने ओरिजिनल फॉर्म को पा लेती है, इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। इंसान या पेड़ पौधे मुख्यतः जल, हवा, पानी और मिट्टी के बने हैं और मरने के बाद उनको बनाने वाले कण अपने मूल स्रोत जैसे हवा हवा में, पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और कुछ समय बाद यही चीज़ें फिर से मिल करके एक नए जीवन को जन्म देती हैं। इस प्रकार इस अर्थ पर रिसाइकलिंग चलती रहती है। आप तो जानते हैं कि एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। ठीक इसी तरह पूरे ब्रह्मांड के होल मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फैक्ट नंबर टू, व्हाट मिल्क आल्सो कॉज द कैंसर, क्या दूध से भी कैंसर होता है? यस, हाँ। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में अनुसंधान से पता चला है अगर दूध को उबाल कर ना पिया जाए तो कैंसर हो सकता है। खेतों में फसल उगाने के लिए तरह तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, वे कीटनाशक पानी में घुलकर तालाब पोखरों में चले जाते हैं और जानवर इन्हीं तालाबों का पानी पी लेते हैं जिससे उनके अंदर कैंसर होने की पूरी संभावना होती है, इसीलिए दूध को 2 से 3 बार उबालकर पिए। फैक्ट नंबर 3, AI विल टेल वेयर लाइटनिंग विल फॉल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको बता देगी कि लाइटनिंग कहां पर होगी। स्विट्जरलैंड के शोध संस्थान ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रणाली विकसित की है जो 30 किलोमीटर के दायरे में गिरने वाली आसमानी बिजली के बारे में आधा घंटा पहले बता देगी। इस तकनीक का इस्तेमाल 80% सही पाया गया। आप सोचते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? इसमें एक मशीन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो इंसान के आदेशों को पा करके अपनी सोच समझ का उपयोग कर खुद सही निर्णय लेने की क्षमता रखती है। फैक्ट नंबर 4, फायर नॉट इन फेस्टिवल बट फेस्टिवल ऑफ फायर, फेस्टिवल में आग नहीं लेकिन आग का त्यौहार। जापान में 10 मीटर से ज़्यादा बड़ी कई टन वजनी मसालों को जलाकर फायर फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत 420 साल पहले वहां एक भीषण युद्ध में मारे गए समुराई योद्धाओं के याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही एक खासियत रही है कि उनकी भलाई के लिए जिन्होंने त्याग या बलिदान दिया वे त्यौहार मनाकर या पर्व मनाकर उन्हें याद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, इंफॉर्मेशन ऑफ सक्सेस ब्रिंग्स मोर जॉय देन एक्चुअल सक्सेस, सक्सेस की जानकारी हमें ज़्यादा आनंद देती है बजाय एक्चुअल सक्सेस के, क्योंकि छुट्टी वाले दिन अधिकतर लोग ये सोचने में बिता देते हैं कि कल उन्हें काम पर जाना है। वैसे हर चीज़ शुरू में बहुत अच्छी और आनंददायक लगती है लेकिन जो जो समय बीतता जाता है उसमें इंटरेस्ट और आनंद उतना नहीं आता, इसीलिए इंसान की खुशी कुछ नया पाने, हासिल करने और जीने में होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नए सोच का विरोध करते हैं। फैक्ट नंबर 6, इफ़ यू आर स्लो द वर्ल्ड लुक्स फास्ट, जब आप धीमा होते हैं तभी दुनिया
आपको फास्ट नज़र आती है। अगर सभी लोग बराबर स्पीड से आगे बढ़ें, चलें, खाना खाएं और सारे काम करें, तो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन प्रोग्रेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसीलिए प्रकृति में वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 7, पीपल बोस्ट अलॉट बट कैन नॉट वॉच देयर ओरिजिनल फोर्स। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कभी भी अपने आंखों से अपना ओरिजिनल चेहरा नहीं देख सकते। आपको पता होना चाहिए कि इस धरती पर कुछ ऐसे काम हैं जो इंसान जिंदा रह के कभी नहीं कर सकता, जैसे कि जिंदा रहते हुए अपने शरीर को अपने मनमाने ढंग से चला करके जीना या बिना खाए पिए अपनी ज़िंदगी जीना। अगर जीना है तो खाना पड़ेगा, अपनी मर्जी हम उन पर नहीं चला सकते। फैक्ट नंबर 8, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। जब आपको आपके सवालों का जवाब कहीं ना मिले, आप उलझे हुए हों, अगर आप अपने अनसुलझे सवालों के जवाब नहीं पा रहे हैं, तो प्रकृति को गहराई से देखें। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने, लोग, जानवर को ध्यान से देखें और उनकी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो जो समय बीतता जाएगा, जीवन के सिद्धांत समय के साथ खुलते जाएंगे। बस जिंदगी को विपरीत परिस्थितियों में पाकर समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई आदमी धन दौलत जुटाने में अपनी ज़िंदगी समझता है, तो वही बीमार आदमी केवल स्वास्थ्य की कामना को ही अपनी ज़िंदगी समझता है। फैक्ट नंबर 9, फूलिश आर दोज हु थिंक देमसेल्व्स सुपीरियर। वही लोग मूर्ख होते हैं जो खुद को दूसरों से अच्छा समझते हैं। वे सोचते हैं कि वो दूसरों से अच्छे हैं। ये सोच लोगों के सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है। जो इंसान चीज़ों को सही ढंग से सीख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो कुछ नया नहीं कर सकता। जो इंसान नया सीख नहीं सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में सुधार नहीं ला सकता। जो सुधार नहीं ला सकता, वो फूलिश होता है। फैक्ट नंबर 10, मोस्ट पर्संस लिव अनडिफाइंड एंड डिसअरेस्ट लाइफ। ज़्यादातर लोग अनडिफाइंड और तितर बितर वाली ज़िंदगी जीते हैं। उनको ये नहीं पता होता, कभी कभी वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। अधिकतर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन वे क्या हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाए, पता नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल और दिमाग से कुछ, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, एथलीट, साइंटिस्ट आदि बनने की चाहत रखते हैं, जो चाहते हैं मुझे इस नाम से दुनिया जाने। आपको लोग कैसे और किस नाम से जानते हैं, राइट इन द कमेंट सेक्शन। सबसे अच्छा यही है कि बेसिक ज़रूरतों के पूरा होने पर हम सबको वही काम करने चाहिए जिसमें अपनी और सबकी भलाई हो। वही ज़िंदगी को डिफाइन करने की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो।